आज एक एक छोटी छोटी सी स्टोरी शेयर करती बच्ची अपनी दादी माँ के साथ एक गेम प्ले कर रही थी उस गेम में क्या था कि उन्हें एक दूसरे से बोलना नहीं था जो भी बातें करनी थी वो लिख लिख के करनी थी थोड़ी देर गेम प्ले किया फिर वो बच्ची जो थक गई उसको भूख लग गई तो वो क्या लिखती है अपने दादी माँ को वो लिखती है लेट्स ईट ग्रैंड

मतलब क्या था उसके पहले चलो ग्रैंड माँ को खाते हैं अब आप सोचिए ये जो छोटा सा कॉमा है ये कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये है पंक्चुएशन मार्क और ये फुल स्टॉप भी है पंक्चुएशन मार्क जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे हाव भाव से मेरे टोन से आपको पता लग रहा है कि मैं प्रश्न पूछ रही हूँ या कथन बोल रही हूँ या फिर कोई भाव व्यक्त कर रही हूँ लेकिन जब आप रिटन इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज लिखी हुई पढ़ते हैं तो वहां पर रोल होता है ये पंक्चुएशन मार्क्स का जो आपको बताए कि वहां पर प्रश्न है या फिर वहां पर कोई कथन है या फिर कोई भाव व्यक्त हो रहा है मतलब जो राइटर है वो

देखिए जहाँ जब मैं रुक ही नहीं रही हूँ तो आपको कैसे पता लगेगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ तो गाइज ये जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं ये हमारी मदद करते हैं सही तरीके से पढ़ने में और एग्जामिनेशन में भी तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना जिसमें कहा जाता है कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसे सही तरीके से मतलब सही पंक्चुएशन मार्क्स लगाएं कहाँ पर लेटर कैपिटल होना चाहिए वो आप देखें तो आइज वो मार्क्स आपके पक्के हैं इस वीडियो में अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो पंक्चुएशन से रिलेटेड आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी ये बहुत जरूरी है क्योंकि ठहराव जिसकी मैंने बात की कि आपको कहाँ रुकना है जैसे फुल स्टॉप है वहाँ पर अगर आप एक सेकेंड रुकते हैं तो आप ये बताइए कि आप कोलन पर कितनी देर रुकेंगे आप सेमी कोलन पर कितनी देर रुकेंगे आप कॉमा पर कितनी देर रुकेंगे सब कुछ बताऊंगी डिटेल में चलिए जल्दी से करते हैं My name is Kanchan. You're watching One English Connection. Let's begin. तो सबसे पहले तो बात करेंगे कैपिटलाइजेशन की क्योंकि ये बहुत जरूरी है हम कब कब लेटर्स को कैपिटल रखते हैं देखिए सबसे पहला ये देखिए सेंटेंस सेंटेंस कोई भी अगर शुरुआत हो रही है उसकी तो पहला लेटर कैपिटल होगा प्रॉपर नाउंस प्रॉपर नाउन्स मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या जानवर का जो प्रॉपर नाम है जैसे मैं एक गर्ल हूँ तो गर्ल का जी कैपिटल नहीं करेंगे लेकिन मेरा नाम कंचन है तो कंचन का के कैपिटल होगा कंचन कहीं भी लिखा जाए ठीक है वो कैपिटल होगा और प्रोनाउन आई अगर मैं के सेंस में यूज हो रहा है तो ये सेंटेंस के चाहे शुरुआत में आए चाहे बीच में आए चाहे एंड में आए कहीं भी आए आई कैपिटल होगा बस ये तीन चीजें याद रखिए तो जैसे ये देखिए एस स्मॉल है तो ये सेंटेंस गलत हो गया शी वेंट टू द स्टोर फुल स्टॉप एंड हुआ कैपिटल लेटर से शुरुआत हुई ये बिल्कुल सही सेंटेंस है थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प उसके बाद यहां पर आर

चलिए इधर से देखते हैं फुल स्टॉप को मैंने बताया कि भाई सेंटेंस एंड करने के लिए यूज करते हैं उसके अलावा एब्रिविएशंस में जैसे ये डॉक्टर को हमने शॉर्ट में लिखा डी आर डॉट

हैं, लगा दिया, और में फुल लगा दिया. ये जो एंड के पहले आता है इसे ऑक्सफर्ड कॉमा या सीरियल कॉमा बोलते हैं ये ऑप्शनल होता है नहीं भी लगाएंगे तो भी सही है बाकी आजकल मॉडर्न इंग्लिश में लगाया जा रहा है क्लियर उसके अलावा कॉमा क्या करता है सेट्स अपार्ट इंट्रोडक्ट्री फ्रेजेजी अचानक से हम थोड़ा सा रुकते हैं फिर बोल रहे हैं A frightened cat sprang from the shadows. Suddenly, थोड़ी देर रुकने के लिए हमने कॉमा यूज किया तो ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज हो गया द द द टूरिस्ट वॉकिंग स्लोली फॉलोड गाइड थ्रू म्यूजियम ये देखिए सेट्स ऑफ नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पर ये जो वॉकिंग स्लोली है ये एसेंशियल नहीं है जरूरी नहीं है तो इसको हम कॉमा से अलग कर देते हैं मतलब अगर मैं इसको ना भी रखू सेंटेंस में तो भी मतलब पूरा निकल रहा है द टूरिस्ट फॉलोड द गाइड तो तो ये 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 से अलग क्या अगर जरूरी होता तो यहां न लगता। है। okay? We है? क्यों incorrect है? देखे. We were out of milk, ये अपने आप में एक पूरा sentence है, पूरा meaning दे रहा। है, इसे हम बोलते हैं इनडिपेंडेंट क्लॉज मतलब अगर मैं यहाँ फुल स्टॉप लगा दू ना तो भी सही है कि ये अलग सेंटेंस ये अलग सेंटेंस है आई वेंट टू स्टोर ठीक है अगर आप कॉमा लगा रहे हो मेरा कहने का ये मतलब अगर आप कॉमा लगा रहे हो तो आपको ये चाहिए ये क्या है ये है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपको मैंने कंजंक्शन की वीडियो में बताया है फैन बॉयज क्या बताया है फैन बॉयज ठीक है आप अगर ये देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एफ इज फॉर फॉर ए का मतलब है एंड मतलब इसी तरीके से सबका एक मतलब आएगा ही आएगा। ये रूल है, बस इतना याद रख लें फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दें ताकि वो भी सीखें और कभी भी अटके ना अब देखिए कोलन क्या है इसे उपविराम बोलते हैं अपूर्ण विराम बोलते हैं इंट्रोड्यूसेस लिस्ट जैसे लिस्ट आप लिख रहे हो प्लीज बाय द फॉलोइंग मतलब जो मैं आगे चीजें बता रही हूँ वो खरीदना है अब लिस्ट लिस्ट आप इंट्रोड्यूस कर कर रहे हो तो आपने यूज लिया यहां पर कोलन ठीक है उसके बाद में जो चीजें उन्हें आपको अलग करना है तो आप कॉमा लगाते चले जाएंगे क्लियर अब उसके अलावा क्या है एक्सप्लेनेशन जैसे कंप्यूटर क्या है हिस्ट्री ऑफ द इंफॉर्मेशन मशीन ठीक है और कोटेशन कोटेशन अगर आप आगे रख रहे हैं कोटेशन तो भी आप यूज करते कोलन हालांकि ये इतना कॉमन नहीं है कॉमा से भी काम चल जाता है ठीक है अब यहाँ आ गए हम अर्धविराम जिसे बोलते हैं सेमी कोलन कनेक्ट क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉजेज अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं क्लोजली रिलेटेड हैं मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हैं तब हम सेमी कोलन का यूज करते हैं कैसे देखिए शी इज बिजी आई विल कॉल हर लेटर वह व्यस्त है मैं उसे बाद में कॉल करूंगी तो ये दोनों भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं

सेरा द एनालिस्ट एंड मार्क द प्रोग्रामर अब ये देखिए हमने क्यों यूज किया और सेपरेट आइटम्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट लिस्ट यहाँ भी है लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है अगर मैं यहाँ लगा दू यहाँ भी कॉमा लगा दू तो समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है अभी हमने क्या किया कि कॉमा तो हम लगा रहे हैं बट इन्हें हम ग्रुप बना दे रहे हैं इनका जैसे नाम लिया फिर वो क्या करता है मतलब उसकी पोस्ट क्या है जॉन क्या है मैनेजर है ठीक है फिर सेरा क्या है एनालिस्ट है तो हमने यहाँ कॉमा लगाया उसके बाद सेमी लगा दिया तो जब कॉम्प्लेक्स लिस्ट हो तो आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा अच्छा एक चीज बड़ी जरूरी है मैंने आपको बताया कि हम पॉज कहाँ देंगे तो आप इसको इस तरीके से समझिए कितनी देर किस में पॉज देना है चलिए हम यहाँ पर चार सेक्शंस कर देते हैं ठीक है फुल स्टॉप पर अगर आप रुकते हैं एक सेकंड के लिए ठीक है फुल स्टॉप पर अगर आप रुकते हैं एक सेकंड के लिए तो आप कोलन पर रुकेंगे एक सेकेंड से कम आधे सेकेंड से ज्यादा ठीक है और सेमी -कोलन पर आप रुकेंगे आधे सेकेंड के लिए ओके और कॉमा पर आप रुकेंगे जो आधा सेकेंड है उससे भी आधे टाइम के लिए क्लियर हो गया तो आप इसको इस तरीके से देखिए सबसे ज्यादा रुकना है फुल स्टॉप पे फिर फिर सेमी फिर कोलन कॉमा क्लियर आई एम sure श्योर अब अब आपको कोई डाउट नहीं होगा बात करते हैं कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड डबल भी होते हैं सिंगल भी होते हैं ब्रिटिश अमेरिकन का फर्क है Guys, ये लगता बहुत मुश्किल है बट बहुत ही आसान है आपको देखिए केवल ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर कोई कुछ बोलता है और आप उसी बात को उसकी कही गई बात को अपने शब्दों में नहीं उसी के शब्दों में किसी को बताते हैं तो आप एज इट इज उन्हें इन्वर्टेड कॉमास के रख देते हैं सिंपल जैसे शी सेड उसने कहा

लगाया अगर हम हम इसी चीज को को पहले रख देते देते तो 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 कोई अलग से नहीं आता जो मार्क ऑलरेडी है 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 वो कई बार ऐसा होता है कि एक एक ही ही सेंटेंस सेंटेंस ब्रेक 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 कर देते। बीच में जैसे मैंने बोला said my father. तो ये एक ही सेंटेंस था ठीक हमने ब्रेक किया तो जब ब्रेक किया जब तो शुरू करेंगे तो हाउस फिर तो यहाँ पर हमने इसको बंद कर दिया इस तरीके से एक चीज देखिए कि के बाहर कब आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा और कब आपको exclamation mark मिलेगा वो तब मिलेगा जब उसके पहले जो मैंने बोला है 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 वही question हो मतलब ये पूरा पूरा का ठीक सिर्फ इसके अंदर कही गई बात क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क अंदर लेकिन ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है तो वो बाहर ओके द सेम भावना यहाँ नहीं व्यक्त हुई है यहाँ है तो यहाँ पर हमने एक्सक्लमेशन मार्क लगा दिया उसके अलावा देखिए हम कब यूज़ करते हैं टाइटल्स ऑफ शॉर्ट वर्क्स तो जैसे द पोम द रोड नॉट टेकन इसे हमने इनवर्टेड कॉमर्स के अंदर रख दिया टाइटल है उसके अलावा किसी पर्टिकुलर वर्ड को अगर हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हम उन्हें इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डाल देते हैं ओके okay? ईजी Guys, अगर आपको ऐसी वीडियो तो आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं मान लीजिए कोटेशन की बात करते हैं ठीक है जैसे कोटेशन है उसके अंदर मुझे सारे वर्ड्स नहीं दिखाने मैं कुछ वर्ड्स हटाना चाह रही हूँ शॉर्ट करना चाह रही हूँ उसको तो मैंने यहाँ पर एलिप्सिस लगा दिया आप इससे ये समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुछ वर्ड्स है जो यहाँ पर लिखे नहीं गए हैं

दे और आर हमने जोड़ा है ना तो ये स्पेस और ये आर दोनों मिसिंग है तो यहां पर अपोस्ट्रोफी लगी है ये देखिए उसके अलावा कोई एक वर्ड है उसी में हमें अमिटेड लेटर्स दिखाने हैं, जैसे ये है ओवर इसे हम पढ़ेंगे ओवर वी गायब कर दिया तो अपोस्ट्रोफी लगा दिया ओके चलिए स्लैश और अब्लिक ये हम कब यूज करते हैं सेपरेट ऑल्टरनेटिव और के लिए यूज करते हैं उसके अलावा अब्रिविएशन विदाउट को हम इस तरीके से लिखते हैं W स्लैश ओ फ्रैक्शन बताना हो वन बाय टू ये हो गया या फिर कोई वेब एड्रेस है डब्ल्यू 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 डॉट इंग्लिश कनेक्शन डॉट ऑनलाइन स्लैश पेज वन कुछ और उसके अंदर होगा तो स्लैश

इंग्लिश में बोले तो टू जैसे क्या पढ़ेंगे 1861 to 1865, Monday to Friday, all right? और जो एम डैश है ये क्या करता है सेट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन और लिस्ट तो कोई लिस्ट अगर स्टार्ट हो रही है जैसे देखिए, जेरमी हैज थ्री बिग गार्ड डॉग्स ठीक है यहाँ पर कुछ लिस्ट में दे रही हूँ तो मैंने जो जो मैंने कोलन बताया था आपको ना उसकी जगह ये यूज कर सकते हैं सीधी सी बात है और उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो इसको मैंने दोनों तरफ डैशेज यूज कर लिया ठीक है इसी चीज को मैं एक और तरीके से बता सकती हूँ और वो है या फिर राउंड ब्रैकेट्स बोल लें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम ऐसे भी दिखा सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन का अगेन वो मतलब हो गया कि अगर मैं इस पार्ट को हटा दू सेंटेंस से तो भी सेंटेंस का मतलब बदल नहीं जाएगा सेंटेंस का मतलब समझ में आएगा द इवेंट हैज बीन पोस्टपोन तो यहाँ स्केड्यूल्ड फॉर टूम मतलब उस इवेंट की बात कर रहे हैं जो कल के लिए स्केड था ठीक है इसको मैंने हटा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है तो इसे भी हम इसकी मदद से भी कर सकते हैं और यहां पर हम एम डैश भी यूज कर सकते हैं right, ये भी कुछ वैसा ही है अब हम आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स पे जिन्हें बॉक्स ब्रैकेट्स भी बोलते हैं देखिए ये कब यूज करते हैं कोटेशन के अंदर ही कोई चीज है अगर मुझे उसमें चेंजेस करने फॉर एग्जाम्पल कि शी सेड आई लाइक इट लिखा और मैं कह रही हूँ यहाँ पर डोंट एट कर दो तो मैं उसको इस तरीके से ब्रैकेट्स में बताऊंगी ये मैंने ब्रैकेट्स लगा के बोला कि भाई टी कैपिटल रखो या फिर किसी ने कोई बात बोली है जैसे कि ये बात बोला कि इसने द टीचर एक्सप्लेन टीचर ने बोला दिस टेस्ट दैट यू रियली अंडरस्टूड द मटेरियल, ओके? लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड कर रही हूं क्या ऐड कर रही हूं कि कौन सा द वन दे हैड टेकन द डे बिफोर ठीक है मैं ऐड कर रही हूं इसमें तो मैं यहां पर इसको इन ब्रैकेट्स के अंदर सिंपल है इसके अलावा जो ये वाला ब्रैकेट है ये कब यूज करना है, 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 कर है प्रैक्टिस करना है आपको मैं आपको करके दिखाती हूँ ये सेंटेंस है आई सेट टू माई मदर प्लीज गिव मी टू हंड्रेड रुपीज एज आई विश टू परचेस अ डिक्शनरी इसमें मुझे सही पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं सो पहला करते हैं सबसे पहले ध्यान देना है पहले वर्ड पे आई है पहला वर्ड कैपिटल

मतलब अपने आप में कंप्लीट है और ये वाला भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है लेकिन क्योंकि ये एंड नहीं हो रहा है सेंटेंस तो वो हमारा स्मॉल ही रहेगा ओके सो अदर्स डू बेटर इन इवनिंग्स यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे सिंपल बाकी ये जो बचे हुए हैं ये अब आपको करना है ठीक है ये आपका होमवर्क कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए और मैं वहां पर जरूर से चेक करूंगी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस एक रिक्वेस्ट है साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आगे की सारी वीडियोस देखें तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट कर दें और राइट right इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिएगा बिल्कुल कहीं भी रुकावट ना आए उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में आप प्रैक्टिस करना मत छोड़िएगा और मेरे एप्लीकेशन इंग्लिश कनेक्शन को ज़रूर से विजिट कीजिएगा वहाँ मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं जय हिंद